नमस्ते सभी को। आज श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय समूह द्वारा आज एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिसमें हम स्वागत करते हैं हमारे प्राचार्य महोदय, सबसे पहले श्रीमान डॉक्टर मेम सिंह जी सुथार, महिला पीजी महाविद्यालय से, और हमारे बीच में उपस्थित हैं दूसरे नंबर पे डॉक्टर रविकांत जी शर्मा, जो कि इसी श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। उसके बाद हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान डॉक्टर संदीप जी शर्मा, जो कि श्री श्याम सह शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। प्राचार्य महोदयों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो दौर वर्तमान चल रहा है, बड़ा ही कठिन विकट परिस्थितियां चल रही है। आशा और उम्मीद करेंगे आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और हमने महाविद्यालय ने, पूरे समूह ने मिल करके आपका अभी भी कदम से कदम मिलकर के साथ दिया और एक नई पहल की शुरुआत की कि बहुत विकट परिस्थितियों में हम ये माने कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में किसी न किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए, इसके प्रति भी अलग कदम उठाए गए। अभी वर्तमान में एक प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण समूह है पूरा, और वो प्रतियोगिता जो है वो शिक्षण अभ्यास वेब प्रतियोगिता है। उस प्रतियोगिता के बारे में एक आप लोगों के बीच में कॉन्फ्रेंस रखी गई है। इसी ये प्रतियोगिता के बारे में और हमारी जो संस्था है उसने आज तक आप लोगों के बीच में रह करके छोटे से स्तर से लेकर के एक बहुत बड़े मुकाम पे आज हासिल जो अपनी योग्यता को उसने निखारा है, और हम बात करें चाहे वो स्कूल की प्राथमिक एजुकेशन की बात हो, मिड एजुकेशन की या हायर एजुकेशन की बात हो, या फिर महिला शिक्षा की भी बात हो, उसमें हर कदम से कदम मिला करके इस विकट परिस्थितियों में भी आप लोग समझ सकते हो कि अभी चाहे YouTube के माध्यम से हो या किसी ऑनलाइन कोई प्रतियोगिता हो, उसका आयोजन करने जा रहे हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले कड़ी में हमारे बीच में उपस्थित जो प्राचार्य महोदय हैं, हम उनका एक बार पुनः तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उन्होंने अपने कीमती समय में से आप लोगों को बीच में रूबरू होने का मौका मिला है। मैं इसी कड़ी में शुरुआत करते हुए सबसे पहले हमारे बीच में डॉक्टर भीम सिंह जी सुथार को आमंत्रित करूंगा कि वो आपके बीच में अपने शब्दों का व्याख्यान आपके बीच में उद्बोधित करें। श्रीमान भीम सिंह जी, मैं डॉक्टर भीम सिंह सुथार श्री श्याम महिला महाविद्यालय में आपका स्वागत करता हूं। श्री श्याम महिला महाविद्यालय सत्र 2010 से स्थापित है। इसमें लगभग 2000 बच्चियां अब तक यूजी पीजी की शिक्षाएं ग्रहण कर चुकी है। वर्तमान में 1000 प्लस बच्चियां शिक्षा प्राप्त कर रही है। हमारे महाविद्यालय में बीए, बीएससी, बीकॉम और एमएससी, जो हनुमानगढ़ जिले में फिजिक्स सबसे पहले, केमिस्ट्री और एमए ज्योग्राफी की सीटें हमारे महाविद्यालय में निर्धारित है। यह महाविद्यालय अब महिला इंटीग्रेटेड कॉलेज के रूप में ही है, जिसका चौथा स्तर है। महाविद्यालय का परीक्षा परिणाम लगभग हर वर्ष 100% रहा है। पिछले वर्ष 93% अंक लेके इंटीग्रेटेड के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसी क्रम में बीएससी के अंदर भी महाविद्यालय ने 92% अंक लिए है, और हमारे महाविद्यालय का लगातार परीक्षा परिणाम अच्छा रहा है। अब मैं छात्राओं से आशा करता हूं कि उनके शिक्षण में किसी तरह की बाधा न हो, इसके लिए हमने ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ कर दी है। जिन छात्राओं ने अपना प्रवेश सुनिश्चित कर दिया है, उनके लिए अब से ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ है। नए प्रवेश अर्थात प्रथम वर्ष के जो प्रवेश है वो भी प्रारंभ हो गए हैं। महाविद्यालय में अब सीटों की जो संख्याएं हैं, स्कूली शिक्षा के अंदर सीटें नहीं होती और महाविद्यालय के अंदर सीटों की संख्या होती है, इसलिए वर्तमान में क्षेत्र के जो छात्र हैं उनके आधार पे और क्षेत्र में जो सीटें हैं उनके आधार पे अगर आप सर्वश्रेष्ठ महाविद्यालय का चयन करना चाहते हैं तो आप श्री श्याम महिला महाविद्यालय में अपने बच्चियों को भेजने की कृपा करें। धन्यवाद।
बड़े ही अच्छे शब्दों में डॉक्टर भीम सिंह जी सुथार प्राचार्य श्रीमान ये महिला पीजी महाविद्यालय में अच्छे तौर पे कई वर्षों से काफ़ी इनका अनुभव है, कई वर्षों से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। इन्होंने हिंदी से पीएचडी किया, फिर एमएड और कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य के रूप में लगभग 15 वर्षों का अनुभव। देखिए, नारी शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो बड़े ही उच्च स्तर पे बड़े अच्छे प्रबंधन के साथ इन्होंने अपनी सेवाएं वर्तमान में पहले भी दी हैं और वर्तमान में दे रहे हैं। और हम श्री श्याम कॉलेज या स्कूल की जब हम बात करें तो सबसे पहले 1963 की बात करें कि 1963 में एक छोटा सा एक पेड़ हम कहें कि वो लगाने का जो काम किया था, एक पौधा बना, पौधा लगाने का काम किया था 1963 में, और आज एक वो बहुत बड़े वटवृक्ष के रूप में अपना रूप ले चुका है। और धीरे 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 संस्थाएं ने अपना उद्गार दिखाती हुई अपनी जो सीमा है उसको बढ़ाते हुए आज करीबन करीबन हम माने कि 4 से 5 हज़ार विद्यार्थी भादरा क्षेत्र के इस गांव ग्रामीण परिवेश से 4 से 5 हज़ार विद्यार्थी इस पूरी संस्था में अध्ययनरत हैं। इसके बाद हमारे बीच में मौजूद डॉक्टर संदीप जी जो कि श्री श्याम सह शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्य हैं, बड़ी अच्छी मेहनत के साथ स्वयं अभी भी ऑनलाइन कक्षाओं के साथ आपके बीच में खड़े रहते हैं, हमेशा सुख दुख में आप लोगों के बीच में बड़ी अच्छी मेहनत करके बच्चों को वो किसी प्रकार की कोई समस्याएं ना आए उनको साथ से साथ मिला करके चलने का कार्य करते हैं। उनके बारे में दो लाइनें कहूँगा कि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तौल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस हमारे संदीप जी का कोई तौल नहीं, मोल नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान संदीप जी को। धन्यवाद सर। मैं डॉक्टर संदीप शर्मा, प्राचार्य श्री श्याम सह शिक्षा महाविद्यालय जो कि 10 बरानी हिसार रोड पर संचालित है। तो सबसे पहले तो मैं जिन बच्चों ने भी 12th पास की है उन सभी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मेहनत की है और मेहनत के अनुरूप उनका रिजल्ट उनको प्राप्त हुआ होगा। अब मैं थोड़ा अपने महाविद्यालय के बारे में बता देता हूं कि हमारा महाविद्यालय सह शिक्षा में संचालित है, यानी कि हम ये कह सकते हैं लड़के और लड़की दोनों के लिए ये महाविद्यालय अपनी सेवाएँ दे रहा है। ये महाविद्यालय हिसार रोड में संचालित है और यहाँ पर बीए और बीएससी दोनों प्रकार के जो कोर्सेज हैं वो संचालित हैं। और ये महाविद्यालय पिछले 5 सालों से अपनी सेवाएं समाज को दे रहा है। अब देखिएगा, मैं ये बताना चाहूँगा कि महाविद्यालय है वो पूर्णतया अपने खुले हवादार कैंपस में और जहाँ पर हर प्रकार की मूलभूत सुविधाएँ मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर अनुशासन और संस्कार आपको मिलेंगे। और ये जो महाविद्यालय है यहाँ पर आगे जो हमारे कोर्सेज संचालित करने की जो संभावनाएं हैं वो है एमए और एमएससी जो कि आगामी वर्षों में हम आपको उपलब्ध करा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक दूसरा कैंपस भी है, श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वो भी यहाँ पर संचालित है जिसमें 4 ईयर्स इंटीग्रेटेड क्लासेज या यूँ कह दें कि 4 साल की समाकलित कक्षाएं संचालित की जा रही है। ये 4 ईयर जो कोर्सेज है ये भी बीए और बीएससी दोनों में संचालित है। इसकी यहाँ पर 100 सीटें अभी स्वीकृत हैं और इस 4 ईयर में प्रवेश लेने के लिए अभी जो राज्य सरकार के द्वारा एक प्री एग्ज़ाम आयोजित होगा, उसकी प्री एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म भरने की लास्ट तारीख है वो अभी 24 जुलाई डिक्लेयर्ड है। तो मैं जिन बच्चों ने अभी 12th पास की है उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा, उन अभिभावकों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये 24 जुलाई तक श्याम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 4 ईयर में प्रवेश लेने के लिए अपना फॉर्म फिलअप करें। धन्यवाद। बड़ी ही अच्छी जानकारी दी श्रीमान संदीप जी ने। देखिए, इस कॉलेज शिक्षा के साथ साथ हमारे विद्यालय ने भी बड़े अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। अभी जो हाल ही का, वैसे तो लगातार हमारा जो परिणाम है बड़ा ही श्रेष्ठ रहता आया है। अभी हाल ही में जैसे कल ही हमारा प्लस टू आर्ट का रिजल्ट आया है,
उस रिजल्ट में हमारे विद्यालय की तनीषा ने 93% अंकों के साथ एक अच्छा मुकाम हासिल करके अपने विद्यालय का और अपने गांव का अपना स्वयं के नाम को रोशन किया है। उसके बाद प्लस टू साइंस का कुछ दिन पहले साइंस का रिजल्ट आया था, उसमें 96.80% अंक हासिल किए थे इसिका ने, और दूसरी पोजीशन पे जो रहे थे तहसील में ही 96.20% अंक हासिल किए थे अनिल ने। उसके बाद 12वीं कॉमर्स का भी रिजल्ट आया था, उसमें 88% अंक हासिल किए थे मेगा ने। देखिए हमारा जो कॉलेज शिक्षा का पिछले सालों का रिजल्ट देखें, वर्तमान की तो विकट परिस्थितियों में ऐसा संभव नहीं है क्योंकि एग्जाम बीच में ही है, तो पीछे के जो रिजल्ट देखें उसमें विश्वविद्यालय में हमारी जो पोजीशन, हमारे महाविद्यालय की जो पोजीशन थी वो प्रथम स्थान पर रही है। इसके बाद मैं हमारे बीच में जो श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर रविकांत जी, जिनके बारे में मैं कहूँ कि हर कदम से कदम मिलाकर के चलने वाले, हर समय पे हमारे बीच में रहने वाले, हमारा साथ देने वाले, यानी मैं इनकी तुलना सिकंदर से करूँ तो भी कम है। सिकंदर हो सर तुम कि सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमी पे नहीं गिरता, गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, कभी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान रविकांत जी को। नमस्कार सभी को। बड़े ही भारी भरकम शब्दों के द्वारा प्रेम जी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, ये इनका अपना प्यार है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, एक साधारण सा व्यक्तित्व रखने वाला पर्सन हूँ। देखो जैसे कि मेरे साथी और सहयोगी अभी श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण जो विद्यालय समूह है उनके बारे में बता रहे थे, जाहिर सी बात है यह जो संस्था है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन एक परंपरा होने के नाते, एक सिस्टम होने के नाते इसका इंट्रोड्यूस मेरे साथी सहयोगी कर रहे हैं। इसी कड़ी को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, फिर मैं अपनी बात को रखता हूँ। जो हमारी संस्था के अन्य जो शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, फूल हैं, उनमें मैं यूँ कहूँगा कि शिक्षक प्रशिक्षक का एक हब हम लोग श्री श्याम ग्रुप को देखते हैं। श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षक ग्रुप के अंदर लगभग 1200 ऐसे विद्यार्थी, ऐसे भावी अध्यापक हर साल इस संस्था के अंदर आते हैं, जो देश का भविष्य बनाने के लिए, देश के भविष्य को नई सृजनात्मक दिशा देने के लिए अध्यापक का व्यवसाय चूज करते हैं। मैं सबसे पहले उन भावी अध्यापकों का शुक्रगुजार हूँ जो इस बड़ी होती हुई शाखा का एक सदस्य के रूप में अपने आप को ढालने का प्रयास करते हैं। मैं अपने कार्यक्षेत्र की अगर बात करूं उसके अंदर, और मेरे साथ के जो कार्यक्षेत्र हैं उनके अंदर बीएड टू ईयर कोर्स, बीएड, बीएससी बीएड, फोर ईयर कोर्स, बीएसटीसी और विशेषकर शिक्षा शास्त्री कोर्सेज इस ग्रुप, जो टीचिंग ट्रेनिंग ग्रुप है, इसके अंदर संचालित है। तो इनकी जो टोटल संख्या मैं अभी जिक्र कर रहा था कि लगभग 1200 के करीब बनती है, और मेरे ख्याल में ये 1200 संख्या के दृष्टिकोण से अपने आप में पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा कॉलेज मेरे ख्याल से होना होगा। देखो अपने आप में एक नई प्रकार की सृजनात्मकता, नई प्रकार के कुछ नयापन लाने के लिए हम लोग हमेशा ही तत्पर रहते हैं, और जैसे कि वैश्विक महामारी के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लास का एक नया दौर चालू हो गया है, और उसी दौर के अंदर आहुति देने के लिए हमारी पूरी टेक्निकल टीम, हमारे पूरे प्रशिक्षित जो स्टाफ मेंबर है वो तहे दिल से दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। तो मैं ये भी एक आह्वान करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करता हूँ
जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो शिक्षक प्रशिक्षक समूह से संबंध रखते हैं या नहीं रखते हैं, जो भी रिलेटेड टॉपिक अगर ऑनलाइन आपको श्री श्याम कॉलेज के YouTube चैनल पर जो दिखाई दे रहा है, उसको ज़रूर देखें, अच्छी तरीके से उसका अध्ययन करें। इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए कि बच्चों को क्या कुछ नया सिखाया जाए, क्या कुछ नया बताया जाए, ताकि बच्चे हैं वो अपने आप में सृजनशीलता के साथ घर पर भी कुछ ना कुछ नया करते रहें, तो हमने ये सोचा कि क्यों ना एक ऑनलाइन वेब शिक्षण अभ्यास प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज की कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। तो श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय समूह के द्वारा एक वेब शिक्षण अभ्यास प्रतियोगिता का, जैसे कि आप बार बार सोशल मीडिया के द्वारा इसका प्रचार प्रसार भी देख रही होंगे, का आयोजन किया जा रहा है। तो उसकी पूरी रूपरेखा किस प्रकार से रहेगी, उस वो ही मेरा मूल बिंदु रहता है आज के इस कॉन्फ्रेंस का। देखो, एक अध्यापक होने के नाते हम लोगों ने क्या खोया, इस चीज का आभास एक अध्यापक ही कर पाता है, अनुभव कर पाता है। एक अध्यापक के बीच में जब वो टीचिंग करता है, तब बच्चों की मुस्कुराहट सामने रहती है, उस मुस्कुराहट के साथ ही उसके शब्द सिलेक्शन होते हैं, टीचिंग का आगामी पद निर्धारित होता है। वो चीज़ हमने खो दी है। हम लोग अब कैमरे के सामने बैठकर आप लोगों को बता रहे हैं, एक टीचर होने के नाते, बहुत बड़े ग्रुप को टीच करने का अनुभव रखने होने के नाते मैं फील कर सकता हूँ कि एक कैमरे के सामने बोलना और क्लास के अंदर बोलना अलग अलग बात होती है। तो एक भावी अध्यापक को भी इस प्रकार की परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है और आगे भी हो सकता है कि करना पड़े। और दूसरी बात, टेक्निकल युग है, टेक्निकल युग होने के नाते जाहिर सी बात है कि जो भावी अध्यापक है उनके लिए इतनी उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो किसी भी परिस्थिति के अंदर अपनी आप टीचिंग को प्रस्तुत कर सके। उसी प्रस्तुतिकरण का अभ्यास तथा उसकी प्रतियोगिता करने के लिए, दोनों चीज़ मैं सामने ले रहा हूँ, अभ्यास और प्रतियोगिता करने के लिए हमने इस वेब शिक्षण अभ्यास प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नंबर एक बात, इस वेब प्रतियोगिता शिक्षण प्रतियोगिता के अंदर जो स्टूडेंट हैं वो मात्र टीचिंग का वीडियो है, वो हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप नोट करना चाहते हो, नोट कीजिए 9024715679, रवि जी का ये नंबर है, आप लोग परिचित हैं, हमारी टेक्निकल टीम के एक अहम पार्ट हैं। उन पर व्हाट्सअप करके अपना टॉपिक को लिखवाइए सबसे पहले कि इस टॉपिक पर मैं अपना वीडियो है बनाऊंगा या बनाऊंगी। दूसरा कि 27 तारीख तक वो वीडियो बनाकर आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही रवि जी को, या जो नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं उन नंबर पर आप व्हाट्सएप के द्वारा वो वीडियो सेंड कर दीजिए। सिस्टम क्या रहेगा, बार बार बच्चों के द्वारा ये इंक्वायरी हो रही है कि इस वेब शिक्षण प्रतियोगिता के अंदर किस प्रकार का सिस्टम रहेगा, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम। जितने भी प्रतिभागी होंगे इस प्रतियोगिता के, नंबर एक उनकी योग्यता ये होनी चाहिए कि वो श्री श्याम शिक्षक प्रशिक्षण समूह के ही सदस्य हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो बीएड 2 ईयर कोर्स कर रहे हैं, चाहे बीएड 4 ईयर कोर्स कर रहे हैं, शिक्षा शास्त्री कोर्स कर रहे हैं या बीएसटीसी कोर्स कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं, लेकिन श्री श्याम के विद्यार्थी हैं, वो ही अपना रजिस्ट्रेशन है वो रवि जी को करवाएंगे। दूसरी और महत्वपूर्ण बात कि जो वीडियो आप लोगों को बनानी है उसके अंदर सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन कॉलम रहेगा, आप अपने श्यामपट का प्रयोग कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड का प्रयोग कर सकते हो, यहाँ तक कि आप अपने कॉपी
पेन के द्वारा ही जिस प्रकार से ट्यूशन के अंदर टीच किया जाता है उसके द्वारा भी आप कर सकते हो, लेकिन ऊपरी जो कॉलम रहेगा उसके अंदर आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपनी क्लास और रोल नंबर नोट करोगे। दूसरी बात, आपकी जो वीडियो है वह वीडियो मिनिमम जो टाइमिंग उसकी रहेगी वो 4 मिनट और मैक्सिमम जो टाइम है वो 7 मिनट का रहेगा। इससे ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए। वीडियो के अंदर आप किन बातों का ध्यान रखोगे, एक नंबर एक क्वालिटी किस प्रकार की है, जिसके अंदर वीडियो की वॉइस किस प्रकार की है, इसके अंदर दिखाई किस प्रकार के दे रहे हैं अक्षर वगैरह, उस चीज़ का ध्यान रखोगे। दूसरा कि आपका जो डिलीवर ऑफ टॉपिक है वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करने का आपका तरीका किस प्रकार का है, उस चीज़ को भी नोट किया जाएगा। तीसरी बात कि आपका एज ए टीचर बिहेव किस प्रकार का है वो भी नोट किया जाएगा। इन तीन बिंदुओं के आधार पर प्रथम तीन जो वीडियो हैं उनको चूज किया जाएगा। हमारा काम यहाँ तक ही रहेगा कि जितने भी वीडियो हमारे पास कलेक्ट हुए, 27 तारीख लास्ट रहेगी आप लोगों की वीडियो सेंड करने की, 27 तारीख तक आप वीडियो अपना बनाकर सेंड कीजिए। जो ही 27 के शाम तक जितने भी वीडियो आ जाएंगे उनमें से फर्स्ट तीन जो हमारी नज़र में, हमारी जो टेक्निकल टीम है उनकी नज़र में, हमारी जो प्रतियोगिता की का जो पैनल है उनकी तरफ से जो फर्स्ट तीन पोजीशन वाले जो वीडियो हैं उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो पार्ट क्या रहेगा उसके अंदर हमने ये निर्धारित किया गया है कि उन तीनों को हम श्री श्याम कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उस पर हम उनको अपलोड करेंगे। यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के बाद हम उसको आगामी 3 दिन तक उनके व्यू, उनके लाइक और कमेंट, यानी 30 तारीख तक जितने भी उस वीडियो से संबंधित व्यू, लाइक और कमेंट आए हैं उनके टोटलिंग के आधार पर फर्स्ट पोजीशन निकालेंगे कि किसके सबसे ज़्यादा लाइक, कमेंट और व्यू रहे हैं। और जो फर्स्ट पोजीशन वाला वीडियो रहेगा उनका, उनको एक विशेष प्रकार से प्रशंसा पत्र संस्था के द्वारा, स्मृति चिन्ह और प्रोत्साहन राशि संस्था के द्वारा दी जाएगी। तो समय का ध्यान रखिए और अपनी सृजनशीलता है उसको जागृत कीजिए और वापिस अपनी कार्य अवधि को ध्यान में रखते हुए, अपनी सृजनात्मकता को ध्यान में रखते हुए, बार बार बोल रहा हूँ मैं, को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाइए, इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनिए। और मैं आशा ही नहीं विश्वास करता हूँ, आप लोगों को शुभ आशीष देता हूँ कि आपका अच्छा स्वास्थ्य बना रहे और जल्द ही हम कॉलेज के अंदर मिलेंगे। धन्यवाद। हमारे बीच में बड़ा ही अपना कीमती टाइम निकाल करके डॉक्टर भीम सिंह जी, डॉक्टर रविकांत जी, डॉक्टर संदीप जी हमारे बीच में उपस्थित होकर के बड़ी अच्छी जानकारियों से हमें अवगत करवाया, एक बार पुनः उनका धन्यवाद करते हैं। तो हम आपसे भी यही आशा और उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि घर पे बैठे हैं, अपनी पढ़ाई है वो जारी है तुम्हारी, और उस पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख रहे हैं, अंतिम लाइनों के साथ समाप्ति की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि है अंधेरा बहुत। इस विशिष्ट परिस्थितियों में अपना ख्याल रखना है कि है अंधेरा बहुत, ये सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए, जो चेहरे बदलते हैं रोज नकाबों की तरह अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। धन्यवाद।